हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप्लाइड मैकेनिक्स के एक और वीडियो में। और इसमें चैप्टर 6 जिसका नाम फ्रिक्शन है, उससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूँ। इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करवाया था और कुछ फॉर्मूले भी बताए थे। इस वीडियो में मैं उसी फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा। जैसे पहला न्यूमेरिकल है, अ मेटल ब्लॉक वेहिंग 50 kg इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल वुडन सर्फेस। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ मेटल ऑन वुड इज 0.55। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स विच इज जस्ट सफिशियंट टू पुल द ब्लॉक। बोल रहा है कि एक ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक है जो एक सर्फेस पे रखा है, वुडन सर्फेस पे रखा गया है, और इसका वेट दिया हमें कितना 50 kg, और इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया है 0.55। पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स का वैल्यू कितना होगा जो इस बॉडी को यहां से पुल कर सके, मतलब कि खींच सके। यहां से हमें यही वैल्यू निकालना है। जैसे ये वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स या फिर लिमिटिंग फोर्स भी बोलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। हम पहले देखते हैं कि हमें दिया क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि बॉडी का वेट दिया है 50 kg और इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.55। मतलब कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू हमें दिया है 0.55 और वेट यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू दिया है 50 kg। इसको क्या करते हैं, kg को न्यूटन में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन। उसके बाद मैंने आपको पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था, जब मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताया था, वहां पर फॉर्मूला होता है मैक्सिमम फोर्स या फिर लिमिटिंग फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू आर एन, और यहां पर म्यू इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और आर एन इज इक्वल टू होता है जो रिजल्टेंट जो फोर्स लगता है वेट के अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला, इसको हम लोग आर एन बोलते हैं, नॉर्मल रिजल्टेंट फोर्स जिसको बोलते हैं। अब हम लोग इस फोर्स को निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वेट है वो उसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं, यानी कि इस बॉडी से जितना वेट नीचे लग रहा है उतने ही वेट का रिजल्टेंट इसको ऊपर लग रहा होगा। न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि एवरी एक्शन देन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कि जितना वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उतना इस बॉडी का रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में भी लग रहा होगा। जब हम लोग फोर्स को वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, मतलब कि ये जो आर एन हो जाएगा ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन और वेट के बराबर, यानी कि आर एन इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू मेरा क्या है 50 kg, यहाँ पर 50 kg यानी कि 500 न्यूटन। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी आर एन का वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में रख लेते हैं। हमें एफ का वैल्यू निकालना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है, यानी कि यहां पर हो जाएगा एफ इज इक्वल टू म्यू, म्यू का वैल्यू हमें दिया है 0.55 इंटू आर एन का वैल्यू क्या है 500। तो यहां से एफ का वैल्यू निकल जाएगा 275 न्यूटन। 275 न्यूटन फोर्स इस पे लगेगा जब, तब ये बॉडी यहां से पुल कर जाएगी। तो ये हो गया इसका आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि वेट ऑफ 250 न्यूटन इज रेजिस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड कैन जस्ट मूव बाय अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट रिएक्शन ऑन द प्लेन। बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका वेट कितना है 250 न्यूटन, मतलब ये वाला बॉडी हुआ और इसका वेट हो जाएगा 250 न्यूटन। और फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस पर एक हॉरिजॉन्टली 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है, मतलब कि ये वाला जो फोर्स है वो कितना है 50 न्यूटन जो इस पर हॉरिजॉन्टली अप्लाइड हो रहा है। तो फिर बोल रहा है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, यानी कि म्यू, और हमें निकालना है जो इसका रिजल्टेंट लगेगा। वेट के अपोजिट हमेशा क्या रिजल्टेंट लगता है, ये जो रिजल्टेंट निकालना है, इसका डायरेक्शन निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है इस रिजल्टेंट का। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, इस बॉडी का वेट दिया है, यानी कि वेट W इज इक्वल टू दिया है कितना 250 न्यूटन, और फोर्स इस पर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो दे रहा है 50 न्यूटन। हमें निकालना है म्यू, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, और हमें जो R है इसको रिजल्टेंट बोलते हैं, ये निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, और R का डायरेक्शन यानी कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं वो निकालना है। तो जब इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा तो इसका फ्रिक्शन क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि इधर। फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है म्यू आर। पहले इसको रिजॉल्व करते हैं, लिखते हैं रिजॉल्विंग ऑल फोर्स वर्टिकली। जब हम लोग इसको वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट लग रहा है वो वेट के इक्वल हो जाएगा, यानी कि आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू कितना है 250, यानी कि यहां से आर का वैल्यू निकल आएगा 250 न्यूटन। अब हम लोग इसको वर्टिकली रिजॉल्व किया था, एक बार इसको क्या करते हैं हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं।
जब सारे फोर्स को हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि लेफ्ट डायरेक्शन में हमें क्या फ्रिक्शन लग रहा है और राइट डायरेक्शन में इसका अप्लाइड फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पर फ्रिक्शन हो जाएगा, यानी कि एफ इज इक्वल टू पी हो जाएगा। और यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या दिया है, म्यू आर, और पी इज इक्वल टू दिया है 50 न्यूटन। तो यहाँ से अगर म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 50 ओपन में आर है, यानी कि 50 अपन आर हो जाएगा। और यहाँ पर आर का वैल्यू मैं निकाला हूँ, यानी कि 50 अपन में 250, यानी कि यहाँ से अगर हम लोग म्यू सॉल्व करके निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.2, यानी कि हमें कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया। ये हो गया पहला आंसर, कॉफिशियंट ऑफ हमें फ्रिक्शन निकालना था। अब हमें ये रिजल्टेंट निकालना है कि जो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला था, यानी कि म्यू इज इक्वल टू निकाला था ऑफ मैक्स, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन अपन में रिजल्टिंग फोर्स आर होता है, और ये बराबर होता है टेन फाई का, यानी कि यहां से लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू टेन फाई, और हमें यही फाई का वैल्यू निकालना है। यहां पर म्यू का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, यह है 0.2 इज इक्वल टू टेन फाई। अब यहां से अगर फाई का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, इधर आएगा 0.2, और फाई का वैल्यू निकल आएगा वो होगा 11.31 डिग्री। यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकल आया जो है 11.31, यानी कि जो वर्टिकल जो रिजल्टेंट लग रहा है उससे 11.31 डिग्री पे मेरा रिजल्टेंट लग रहा है। यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, यहां पर रिजल्टेंट लग रहा है आर डैश, जिसका ये एंगल है कितना है 11.31 डिग्री। अब हमें ये वाला जो मैग्नीट्यूड है आर डैश ये निकालना है, तो क्या करते हैं, ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड और इसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, एक ये आर लग रहा है और एक ये फ्रिक्शन लग रहा है। तो जब हम इन दोनों के बीच का जब हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो एक रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैंने से पिछले वाले चैप्टर में बताया था कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा। दो जो फोर्स लग रहा है, यानी कि पहला फोर्स है आर और दूसरा फोर्स है ये फ्रिक्शन, यानी कि लिखेंगे आर डैश इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर, आर स्क्वायर कितना है मेरा 250 न्यूटन, यानी कि 250 का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का स्क्वायर, फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू पी है, यानी कि म्यू आर इज इक्वल टू 50 है, यानी कि यहां पर 50 का स्क्वायर। आर डैश जब यहां से निकालेंगे सॉल्व करके तो होगा अंडर रूट 62500 प्लस 2500 इज इक्वल टू अंडर रूट 65000। आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 254.95 न्यूटन। ये हो गया रिजल्टेंट, और वो रिजल्टेंट कितने डिग्री के एंगल पे लग रहा है, 11.31 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। ये हो गया फाइनली आंसर तीनों। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ अ मेटल इज प्लेस्ड ऑन द टेबल अ मेटेलिक टॉप, the angle of friction of the metal on metal is 10 degree. It has been founded that a push of 20 newton inclined at the 30 degree to the horizontal is adequate to just move the block. Determine the weight of block. बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो टेबल के ऊपर रखा है और ये जो इसका सरफेस है भी एक मेटेलिक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है 10 डिग्री का, और इस पर एक 200 न्यूटन का इंक्लाइंड फोर्स जो कि एक हॉरिजॉन्टल से इसके सेंटर के हॉरिजॉन्टल से एक इंक्लाइंड है एक फोर्स जो है 200 न्यूटन का, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है वो है 30 डिग्री। तो हमें बोल रहा है कि जो ये ब्लॉक है इसका हमें वेट निकालना है कि इसका वेट कितना होगा। तो निकालते हैं वेट के अपोजिट क्या हमें रिएक्शन लगता है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर वेट लग रहा है तो इसका रिएक्शन आर एन वो जो आर होगा वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स इस बॉडी को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है मतलब कि इसका जो फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि इस डायरेक्शन रहेगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू आर, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। हमें दिया क्या है, हमें दिया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फाई इज इक्वल टू दिया है कितना 10 डिग्री, ये हो जाएगा 10 डिग्री, और जो फोर्स दिया है वो कितना दिया है 200 न्यूटन का, और इसका एंगल कितना दिया है यानी कि अल्फा कितना दिया है वो दिया है 30 डिग्री। अब निकालते हैं, तो पहले देखते हैं कि मुझे फाई का वैल्यू दिया है, यानी कि हम यहां से म्यू निकाल लेंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है टेन
और फाइव का वैल्यू क्या है 10, यानी कि म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 डिग्री। तो 10 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 0.17, यानी कि हमें कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकल आया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करेंगे और एक बार वर्टिकली रिजोल्व करेंगे। तो पहले हम लोग हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करते हैं। तो हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करने से पहले यहाँ पे देखते हैं, ये तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये जो फोर्स है वो इंक्लाइंड लग रहा है। तो जो ये फोर्स इंक्लाइंड लग रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं। यानी कि जब इस इंक्लाइंड फोर्स को इस पे रिजोल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में ही लगेगा, और वो कितना लगेगा, वो लगेगा पी, और इस एंगल है यानी कि कॉस थीटा यानी कि 30 डिग्री, इतना पे लगेगा इसको रिजोल्व करेंगे तो। और इसी को अगर वर्टिकली रिजोल्व करेंगे यानी कि इस डायरेक्शन में, इधर लग रहा है यानी कि इसका फोर्स इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो कितना लगेगा, पी साइन 30 डिग्री। ये हो गया इस इंक्लाइंड फोर्स का रिजोल्व वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। अब इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं, अब इसको हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करेंगे यानी कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये फ्रिक्शन है जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि हो जाएगा जो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर पी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो, और ये इस डायरेक्शन में यानी कि एफ, और यहां पर पी कितना दिया है, वो दिया है 200 cos 30 डिग्री, और एफ एफ इज इक्वल टू क्या है, म्यू आर, म्यू आर ये हो जाएगा 200 cos 30 डिग्री। और म्यू का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 0.17 × r, यहां से r का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 200 cos 30 डिग्री अपन में 0.17। r को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1018.85 न्यूटन। ये हो गया r का वैल्यू निकाला। अब हम लोग w निकालते हैं। w निकालने के लिए अब हॉरिजॉन्टली रिजोल्व किए थे, अब ये वर्टिकली इसको रिजोल्व करते हैं। तो जब हम लोग वर्टिकली करेंगे, वर्टिकली जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स यहाँ पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये वाला फोर्स एक अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन क्या लग रहा है, आर, सिर्फ ये आर लग रहा है, आर इज इक्वल टू ये डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है पी साइन 30 डिग्री प्लस ये डब्ल्यू लग रहा है। तो यहां से अगर हम डब्ल्यू का वैल्यू निकालेंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आर, आर कितना है, अभी जस्ट आर निकाले 1080.85, यानी कि 1018.85, और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस पी, पी कितना है 200 और साइन 30 डिग्री, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 918.85, यानी कि इसको अप्रोक्स लिख लेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू 919 और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, यानी कि इसका इतना वेट है इस बॉडी का जो इस पे लग रहा है। ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ वेट 50 न्यूटन इज बीइंग पुल्ड बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बोला है कि एक बॉडी है जिसका वेट है 50 न्यूटन और इसको एक इंक्लाइंड फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन और वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे लग रहा है और इसको जस्ट पुल कर रहा है, तो इस बॉडी का और इस सरफेस का कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में। निकालते हैं सॉल्यूशन। हमें दिया क्या है, वेट ऑफ बॉडी दिया है यानी कि डब्ल्यू इज इक्वल टू 50 न्यूटन दिया है और फोर्स दिया है 20 न्यूटन और इसका जो एंगल है वो दिया है 30 डिग्री और हमें म्यू निकालने के लिए बोल रहा है। ये इंक्लाइंड इसको पुल कर रहा है तो जो इसका हॉरिजॉन्टल जो फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, वो होगा पी कॉस 30 डिग्री, एंगल ये रहता है तो ये कॉस थीटा हो जाता है और ये साइन थीटा हो जाता है। तो जो ये इस डायरेक्शन में अगर पुल कर रहा है यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, ये यहां पर पी साइन 30 डिग्री और यहां पर एक आर लगेगा रिजल्टेंट इस वेट के अपोजिट, और इस डायरेक्शन में जब फोर्स लग रहा है तो जो फ्रिक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू आर। पहले हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली रिजोल्व करते हैं, यानी कि यहां पर लिखते हैं हॉरिजॉन्टल में क्या कौन कौन सा फोर्स है, एक ये है फ्रिक्शन जो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है और एक ये है ये फोर्स जो इसको इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। तो ये जो फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा वो होगा पी कॉस 30 डिग्री और फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है म्यू आर
इक्वल टू पी है 20 और कॉस 30। यहां से म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 20 कॉस 30 डिग्री अपन में आर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन वन। अब हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली कर लिया, वर्टिकली करते हैं, वर्टिकली रिजोल्व करेंगे। तो यहां पर देखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में एक दो दो फोर्स लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक वेट लग रहा है, यानी कि ये दोनों फोर्स इज इक्वल टू वेट आर प्लस पी साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री ले लेंगे, इज इक्वल टू डब्ल्यू आर। आर हमें नहीं पता है तो आर प्लस पी, पी का वैल्यू कितना है 20 और साइन और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना दिया 50। यहां से आर निकालेंगे तो हो जाएगा 50 माइनस 20 साइन 30 डिग्री। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 20 साइन 30। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि हो जाएगा 10 और ये 50, 50 माइनस 10 यानी कि 40, ये 40 न्यूटन हो जाएगा आर। अब इस आर के वैल्यू को यहाँ इक्वेशन वन में रख लेते हैं, तब देखते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 20 कॉस 30 अपन में आर इज इक्वल टू भी जस्ट कितना निकालें वो है 40, यानी कि यहाँ से अगर म्यू निकालेंगे तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 0.433। ये हो गया आंसर, यानी कि हो गया कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि अब ब्लॉक ए वेइंग 20 न्यूटन रेस्ट ऑन अ सेकेंड ब्लॉक बी वेइंग 40 न्यूटन फॉर ए एंड बी म्यू इज इक्वल टू 0.2 एंड बी एंड सी म्यू इज इक्वल टू 0.3। ए इज हेल्ड बाई अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल फोर्स टू मूव द बी। बोल रहा है कि दो बॉडी हैं ए और बी, जो ब्लॉक ए है उसका वेट कितना है 20 न्यूटन है और वो बी पे रखा है, और जो ब्लॉक बी है उसका वेट है 40 न्यूटन जो एक सरफेस पे रखा है, मान लेते हैं सरफेस सी है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि ए एंड बी, जो ये बॉडी ए और बी है इन दोनों के बीच में जो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि म्यू लग रहा है उसका वैल्यू कितना दिया है 0.2, और बी और ये सी के बीच में जो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसका वैल्यू दिया है 0.3। और बोल रहा है कि जो ये बॉडी ए है वो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है हॉरिजॉन्टली, ये मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये स्ट्रिंग है जो बॉडी ए को बांध के रखा है। तो हमें पूछ रहा है कि ये इस बॉडी बी पर कितना हम लोग फोर्स लगाएं कि ये बॉडी मूव कर जाए। ये वाला बॉडी तो हॉरिजॉन्टल से बंधा हुआ है इसलिए ये वाला बॉडी तो मूव नहीं करेगा, बट ये वाला तो खुला है और इसके ऊपर इसका वेट है, तो हमें इस पर कितना हम लोग फोर्स अप्लाइड करेंगे ये बॉडी यहाँ से मूव कर जाएगा, वही हम लोग निकालते हैं सॉल्यूशन। देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। W वेट बॉडी A, जो बॉडी A है उसका वेट कितना दिया है 20 न्यूटन, और बॉडी B का वेट दिया है 40 न्यूटन। उसके बाद हमें म्यू वन दिया है 0.2, म्यू वन का मतलब है A और बॉडी के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और म्यू टू दिया है 0.3, म्यू टू का मतलब है बॉडी B और सरफेस C जो है उसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और हमें ये अप्लाइड फोर्स जो पी लग रहा है वही निकालना है। अब हम क्या करते हैं कि एक एक बॉडी को कंसीडर करते हैं, पहले कंसीडर बॉडी ए। जब बॉडी ए को कंसीडर करेंगे तो यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं, मान लेते हैं ये बॉडी ए है बॉक्स, और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है डब्ल्यू इज इक्वल टू लग रहा है 20 न्यूटन, और ये इस डायरेक्शन में एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है जिसको हम लोग फ्रिक्शन मान लेते हैं, क्योंकि इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका फ्रिक्शन क्या इस डायरेक्शन में लाएगा, दोनों बॉडी का फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लाएगा। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू फॉर्मूला हमें पता है म्यू आर एन, यहां पर लिख लेते हैं, और ये जब यहां पर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है तो इसका रिजल्टेंट भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि ये आर। अब यहां पर निकालते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजोल्व करते हैं, तो यहां पर अगर वर्टिकली करेंगे तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि आर इज इक्वल टू डब्ल्यू यानी कि 20 न्यूटन, आर इज इक्वल टू 20 न्यूटन। और जब ये एफ एफ निकालेंगे, यहां पर एफ वन लिख लेते हैं क्योंकि ये बॉडी वन के लिए है, तो एफ वन जब निकालेंगे तो हो जाएगा म्यू आर, म्यू आर, और यहां पर म्यू वन हो जाएगा बॉडी वन के लिए, तो म्यू वन का वैल्यू क्या है 0.2, और अभी आर का वैल्यू निकाला हूं 20,
यानी कि F1 का वैल्यू जब निकलेगा तो हो जाएगा 4 न्यूटन। ये बॉडी वन में हमें F1 फ्रिक्शन वन का वैल्यू निकल आया। अब हम लोग क्या करते हैं, बॉडी बी को कंसीडर करते हैं, लिखते हैं कंसीडर बॉडी बी। अब यहां पर देखते हैं ये जो बॉडी बी है इस पे एक यहां से फोर्स अप्लाइड फोर्स निकालना है और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसका डायग्राम बनाते हैं। इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, वो लग रहा है 40 न्यूटन W इज इक्वल टू, और ये वाला जो अप्लाइड फोर्स है ये हमें निकालना है। तो इसका वेट जब डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक आर लगेगा रिजल्टेंट, और ये वाला फोर्स हमें निकालना है तो यानी कि इसके अपोजिट में एक फ्रिक्शन लगेगा, ये F2 लगेगा यहां पर, और ये हो जाएगा W2। तब हम इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजोल्व करेंगे। और यहां पर एक और बात ध्यान देना है, ये बॉडी बी है और इसका वेट कितना है 40 न्यूटन, बट इसके ऊपर ये बॉडी ए भी रखा है, यानी कि बॉडी बी का वेट है 40 न्यूटन और बॉडी ए का वेट है कितना 20 न्यूटन। तो जब इस पे ये रखा जाएगा तो टोटल वेट इसका कितना हो जाएगा 60 न्यूटन, यानी कि 40 प्लस 20 न्यूटन, तो W2 इज इक्वल टू हो जाएगा 60 न्यूटन। ये बात ध्यान में रखना है। अब इसको क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजोल्व करते हैं। जब वर्टिकली करेंगे तो यहाँ पर R इज इक्वल टू हो जाएगा W2, यानी कि R इज इक्वल टू यहाँ पर W2, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा 60 न्यूटन। यहाँ पे R इज इक्वल टू 60 न्यूटन निकालेगा। अब यहाँ पे F2 निकालेंगे तो F2 हो जाएगा क्या, μ2 R। तो यहाँ पर नीचे निकालेंगे F2 इज इक्वल टू हो जाएगा μ का वैल्यू है 0.3। ये बॉडी बी और सरफेस सी के बीच का न्यूटन μ2 को यहाँ पे लिख रहे हैं 0.3, और R अभी जस्ट निकाले हैं वो है 60। तो यहाँ पे F2 निकल आया वो होगा 18 न्यूटन, यानी कि F2 यानी कि ये जो है फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में ये लग रहा है 18 न्यूटन, और इससे पहले बॉडी वन में हम लोग F1 निकाले थे वो कितना लग रहा था 4 न्यूटन। यानी कि यहां पर देखते हैं ये वाला जो इधर लग रहा है फ्रिक्शन ये हो जाएगा F2 और ये वाला हो जाएगा F1, तो जो ये फोर्स लगेगा अप्लाइड फोर्स ये बराबर किसके होगा F1 और प्लस F2 के, मतलब ये लेफ्ट साइड वाला बराबर होगा राइट साइड वाले का, यानी कि अप्लाइड फोर्स निकालेंगे जब P इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो हो जाएगा F1 प्लस F2, और F1 इज इक्वल टू निकला है 4 और प्लस F2 अभी जस्ट निकाले हैं 18, यानी कि P इज इक्वल टू हो जाएगा 22 न्यूटन। यहां पर 22 न्यूटन का हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये वाला बी वाला जो बॉडी होगा वो यहां से मूव कर जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये था इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंक्लाइंड सरफेस पर रखे बॉडी के बेस्ट पर न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा। इसमें क्या था कि ये सब जो बॉडी थे वो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे रहते थे, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा जिस पर बॉडी इंक्लाइंड सरफेस पर रखी हुई होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।